सीधे आपको लिए चलते हैं मुरैना, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। स्वागत करें, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। आइए हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग प्रदान करें, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। साथ ही आग्रह योगेश पाल गुप्ता जी का कि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कलेक्टर मुरैना श्री अंकित अस्थाना जी से निवेदन कि वे माननीय कृषि मंत्री श्री इंदर सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। कलेक्टर मुरैना जी से निवेदन श्री अंकित अस्थाना जी से माननीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रदीप सिंह तोमर जी से निवेदन है कि वे स्वागत करें श्री सरला रावत विधायक संबलगढ़ का। साथ ही डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री गिरिराज टंडोतिया मंत्री दर्जा प्राप्त, आपका भी हाथ से स्वागत है, अभिनंदन है। श्री दर्शन सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री जय सिंह कुशवा जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी मुरैना, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रीमती आरती गुर्जर अध्यक्ष जिला पंचायत मुरैना, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री सुरेंद्र जाट जिला अध्यक्ष, श्री देवेंद्र नरवरिया जी जिला अध्यक्ष, माननीय श्री अमरीश शर्मा जी विधायक लाहार, माननीय श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी विधायक भिंड एवं माननीय श्रीमती संध्या राय जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और द्वितीय पंक्ति में भी हम सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करते हैं, साथ ही में सम्मानीय मंचासीन समस्त अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री पी नरहरी जी सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से कि वे स्वागत उद्बोधन एवं और हम आग्रह करना चाहेंगे श्री पी नरहरी जी सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें, साथ ही साथ कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। और स्वागत उद्बोधन से पूर्व हम रोजगार दिवस पर आधारित एक लघु फिल्म को देखेंगे। युवाओं को खुला आसमान दे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस महासंकल्प को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश अपने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दिशा में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार दिया जा रहा है, बल्कि ये युवा इनका लाभ लेकर रोजगार प्रदाता भी बन रहे हैं। अब तक प्रदेश में आयोजित हुए कुल 11 रोजगार दिवस कार्यक्रमों से 57 लाख से अधिक युवाओं को करीब 40,000 करोड़ की राशि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण के रूप में वितरित की गई है। डबल इंजन वाली प्रदेश सरकार के इन अथक